ई निर्माण कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियो जैब्रा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी में विभिन्न प्रकार के कोण कहा जाता है, उसका यहाँ निर्माण कार्य करना सीखेंगे। एक्टिविटी टू क्रिएट एंगल्स ऑफ 6 डिफरेंट साइज। तो आज हम इस एक्टिविटी में 6 विभिन्न प्रकार के एंगल्स, जिनको हिंदी में कोण कहा जाता है, उसका निर्माण करना यहाँ पर सीखेंगे। तो पहला एंगल है एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऑब्स्ट्यूट एंगल ग्रेटर देन 90, लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, लेस देन 360 डिग्री। फुल रोटेशन एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री। तो इन एंगल्स का हम यहाँ पे निर्माण करेंगे। तो गणित की भाषा में एंगल, जिसे कोण कहा जाता है, वो इस प्रकार है कि एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं, जिसको हम रे कहते हैं, वो एक दूसरे से मिलती हैं, तो उससे एंगल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल लेंगे। तो एक्यूट एंगल को आप हिंदी में न्यून कोण भी कहते हैं, जो कि 90 डिग्री से कम होता है। अभी कैसे बनता है, इसको हम यहां पे बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया और एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया। अब हम इन दो पॉइंट को आपस में लाइन सेगमेंट से जोड़ देंगे। एक को हमने बी पॉइंट से यहां पर जोड़ दिया, जिसको हमने एफ का नाम दिया। अब हम यहां पर वो एंगल बनाएंगे जो 90 डिग्री से कम होगा। तो आपको पता है 90 डिग्री सीधी लाइन वाला होता है, तो उससे कम एंगल यहां पे 70, 75, 45 जो भी एंगल आएगा वो बनेगा। तो उसके लिए हम यहां पर एक रे का निर्माण करते हैं। तो यहां पे क्लिक करेंगे और एक रे को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां से हमने एक रे लिया, हम इसको कहीं पे भी पिनअप कर देते हैं। यहां पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हम इसे मेजर करेंगे कि ये कितने डिग्री का हमारा एंगल है। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, इसके लिए हम एंगल कमांड्स को यहां से चुनेंगे, ऑप्शन को, एंगल को क्लिक करेंगे। तो एंगल को जब हम क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले बी पॉइंट को करेंगे क्लिक, देखो हाईलाइटेड हो गया। फिर ए को क्लिक करेंगे और फिर हम सी को क्लिक करेंगे। तो आपने देखा ये 46.77 डिग्री का एंगल बना है। तो ये एंगल हमारा एक्यूट कहलाएगा। इसको हम और भी अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को मूव कराते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं। ये सारे के सारे एंगल्स हमारे पॉइंट से लेकर जितने भी हमारे एंगल हैं, ये 89.2 या 89 समझ लीजिए, यहां तक ये सारे एंगल हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं। यहां से हम टेक्स्ट में लिखते हैं, इसको नाम दे देते हैं एक्यूट एंगल। तो हमने इसको नाम दे दिया और ओके कर दिया। तो यहां पे देखिए एक्यूट एंगल आ गया, हमने इसको यहां पे नाम दे दिया है। अब हम राइट एंगल बनाएंगे जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। इसको हिंदी में समकोण एंगल बोलते हैं। तो इसके लिए फिर हम दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, एक हमने पॉइंट यहां ले लिया और इनको हम लाइन सेगमेंट से जोड़ लेते हैं आपस में। यहां से यहां हमने जोड़ लिया। अब हम यहां पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम उसके लिए दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं, एंगल विद गिवन साइज। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे और ई पॉइंट को हम क्लिक करेंगे, उसके बाद डी को क्लिक करेंगे, तो ये पूछेगा कितने डिग्री का एंगल आपको बनाना है। तो हम लिख देते हैं 90 डिग्री। जैसे मैंने 90 डिग्री करा, ओके कर दिया, तो आप देख रहे हैं करेक्ट 90 डिग्री आ रहा है। अब हम इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से लाइन सेगमेंट से रे से जोड़ लेंगे। तो यहां से हमने क्लिक किया और ये रे आया, इसको हमने क्लिक कर दिया। तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल हमारा बना है। इसको हम यहां पे थोड़ा ऊपर मूव करके देख लेते हैं। ये देखिए,
तो डी एंगल हमारा ई डी और ई ये 90 डिग्री का है। अब हम यहां पर राइट एंगल लिखेंगे इसको, तो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे हम यहां से और यहां पे हम क्लिक करेंगे और इसको यहां पे लिखेंगे राइट एंगल, ओके कर देंगे हम और इसको हल्का सा मूव करके हम यहां पे लिख देंगे राइट एंगल। अब हम ऑब्स्ट्यूट एंगल का निर्माण करेंगे जिसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण वाला एंगल, और ये ग्रेटर देन 90 से बड़ा और लेस देन 180 डिग्री का होता है। तो इसके लिए हम फिर यहां पर लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, यहां से हम लाइन सेगमेंट यहां पे क्लिक कर देंगे, एफ और जी एक लाइन खींची हमने। अब हम एक रे ले लेते हैं, रे से हम यहां पे क्लिक करेंगे एफ से ये पॉइंट, तो आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री से लेकर यहां तक 180 के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे हमारे ऑब्स्ट्यूट एंगल होंगे, तो हम इसको कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने इसको यहां पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि ये एंगल हमारा यहां पे बन गया। अब हम इसको मेजर करते हैं कि कितने डिग्री का ये एंगल बना, तो इसके लिए हम यहां पर जाएंगे, एंगल को क्लिक करेंगे। जब एंगल को हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम जी पॉइंट को क्लिक करेंगे, एफ को करेंगे और एच को करेंगे, तो आपने देखा 144.32 हमारा ये एंगल बना जो कि हमारा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्स्ट्यूट एंगल। अब आता है स्ट्रेट एंगल जिसको हम सीधी रेखा भी बोलते हैं, तो इसका निर्माण अभी करेंगे, उससे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो जैसे हम यहां पे जाएंगे टेक्स्ट पे लिखेंगे हम इस एंगल को बोला जाता है ऑब्स्ट्यूट एंगल और इसको ओके कर देंगे, यहां के ऑब्स्ट्यूट एंगल इसको हम यहां पे लिख देंगे। अब हम स्ट्रेट एंगल बनाएंगे 180 डिग्री का, तो इसके लिए हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, फिर एक पॉइंट हमने यहां लगाया, दूसरा पॉइंट हमने यहां पे लगा दिया। उसके बाद हमें एक पॉइंट की और आवश्यकता है, इस पॉइंट को लिया हमने और यहां पर हमने इसको लगा दिया। अब हम इसको मेजर करेंगे, यहां पे एंगल को क्लिक करेंगे, तो पहले को सिलेक्ट करा, दूसरे को और तीसरे को, तो आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री आ गया। इसको हम यहां से ऊपर मूव करके देख लेते हैं, 180 डिग्री जो एक स्ट्रेट लाइन बनी है ये सीधा 180 डिग्री, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो आपने देखा कि हमने इस प्रकार चार एंगल्स का निर्माण, एक दो तीन चार का हमने कर दिया। अब आता है आपके सामने रिफ्लेक्स एंगल जिसको बृहत कोण कहते हैं, और ये 180 से 360 डिग्री के बीच होता है, मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो ये 180 है तो इससे इधर को ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो इसके लिए हम फिर लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, हमने एक लाइन डॉट यहां लगाया, एक डॉट हमने यहां पे लगा दिया। अब हम फिर एक रे ले लेंगे यहां से, और आप देख रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन था 180 यहां था, तो आपका जो रिफ्लेक्स एंगल है 180 से 360 के बीच होगा, वो यहां से लेकर यहां तक बनेगा, तो इसमें आप कहीं पे भी बना सकते हैं इस एंगल को। आप यहां पे इसको यहां पे क्लिक कर दिया आपने, यहां पे जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, अब हम इसको मेजर कर लेते हैं कि हमारा कितने डिग्री का ये एंगल बना है। तो एंगल को क्लिक करेंगे दोबारा, एक क्लिक करा, फिर एल को किया और उसके बाद आपने एन को क्लिक करा। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो एंगल है कितने डिग्री का बना, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ये बना 336.56 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद अब हम इसका नाम लिख लेते हैं, तो इसका नाम हम यहां पे लिखते हैं, कौन सा एंगल था हमारा, रिफ्लेक्स, R E F
एलई एक्स रिफ्लेक्स एंगल और हम ओके कर देंगे इसको, तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया। तो अब हम फुल रोटेशन एंगल बनाते हैं जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का होगा। तो इसके लिए हम सिगमेंट ले लेते हैं, तो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया। तो आपने देखा कि दो पॉइंट हमने ले लिए। अब हम कैसे बनाएंगे इसको, इसके लिए हम एक पॉइंट और लेंगे। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लेंगे कहीं पे भी, तो हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, अभी इसको सही कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक रे बनाएंगे, यहाँ से हमने रे ले ली और ओ से हम क्यू पे इसको क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से एंगल मेजर करेंगे कि कैसा एंगल ये बना हमारा। पी को क्लिक करेंगे, फिर ओ को करेंगे और उसके बाद क्यू को करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो एंगल बन रहा है, इसको हम यहाँ से मूव करके देखते हैं, ये हमारा एंगल यहाँ पे 360 का ये बन रहा है। तो आपने देखा कि हमने 6 प्रकार के एंगल बनाए। ये एक्यूट एंगल था जो कि लेस देन 90 डिग्री से कम होता है, राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, ऑब्स्ट्रूट एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, स्ट्रेट एंगल एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, रिफ्लेक्स एंगल ये 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा होता है, और आपका फुल रोटेशन एंगल जो इस पॉइंट से घूम के पूरा का पूरा रोटेट होके वापस आ जाता है, इसको हम बोलते हैं फुल रोटेशन एंगल। तो ये 6 प्रकार के एंगल है और ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स घर में या अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं और जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में इसके निर्माण की बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे उन्हें एंगल्स को समझने में आसानी होगी और इसके साथ साथ वो और सारे एक्सपेरिमेंट भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जियोजेब्रा एक डायनेमिक टूल है।